साथ ही इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है अब इस बजट में देश के सौ बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है ये सौ शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे मैं गत दस वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा भारत की आजादी के जब सौ साल होंगे वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे हम लूट चुके थे दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी सौ साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे हम रहे न रहे हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए ये सपने लेकर चल है